इसी तरह बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। एक समांतर श्रेणी दे रखी है, एक एपी दे रखी है, उसमें आपको सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दे रखे हैं 14 और 18, और आपको 51 पदों का सम ज्ञात करना, मतलब 51 टर्म्स का सम निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन पहले जब भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाओ, चाहे चाहे सम निकालना हो, चाहे एन निकालना हो, चाहे डी निकालना हो, सबसे पहले नीड किसकी है, जरूरत किसकी है, हमें चाहिए एक एपी। ठीक है, एपी मतलब समांतर श्रेणी हमें सबसे पहले चाहिए। क्या वो हमारे पास पूरी पूरी बनी हुई है क्या, ये देखना है। नहीं बनी हुई तो जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में अपन ने किया था उसी तरह अपन पहले एपी बना लेंगे। इसकी अपन अगर बात करें, इसमें भी ऐसा ही कुछ है। इसमें सेकेंड और थर्ड टर्म तो दे रखा है लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं दे रखा, इसका मतलब हमें पहले ए तो निकालना ही पड़ेगा, तब जाके एपी बनेगी। ठीक है, चलो ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो ये पूरी एपी बहुत सिंपल चैप्टर है। सेकेंड टर्म के अपन अगर बात करें, सेकेंड टर्म्स ऑफ एन एपी यानी कि दूसरा पद समांतर श्रेणी का दूसरा पद जिसको अपन दिखाते हैं ए टू से, वो हमें दे रखा है 14 14। ठीक है, और अगला है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म्स ऑफ एन एपी जिसको अपन दिखाते हैं ए थ्री से, हिंदी वाला बच्चे लिख देना, समांतर श्रेणी का तीसरा पद वो है 18। ठीक है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद हमें दे रखा है ए थ्री। चलो अब एक बात बताओ, ए टू इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं ए टू कह सकते हैं ए प्लस डी बराबर 14। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था, अगर पूरे वीडियोज आपने प्लेलिस्ट में जाके देखे हैं तो ये बहुत आसान है। ए टू अपन क्या कह देंगे, ए प्लस डी बराबर 14। ये बन गया समीकरण एक, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही इसको अपन क्या कह देंगे, ए थ्री, ए थ्री को अपन क्या कह सकते हैं, एक कम डी, यानी कि यहाँ पर तीन है तो एक कम डी, टू डी बराबर 18। ये बन गया समीकरण दो, इक्वेशन टू। ये आप इस लाइन के नीचे लिखना है इसको, इस लाइन के नीचे लिखना है इसको। ठीक है, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से एग्जाम में करना है। अब मैं अगर बात करूँ बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, यानी कि समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो अपन एलिमिनेशन मेथड टाइप कर लेंगे। देखो हमें पता है कि ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी, ए से ए कट सकता है, लेकिन कब, जब इसमें से ये माइनस किया जाए या फिर इसमें से ये माइनस किया जाए, बात एक ही है। तो अपन यहाँ कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट का मतलब घटा देंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण एक में से दो को घटाने पर। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। अब अगर मैं बात करूँ तो इक्वेशन वन है ए प्लस डी बराबर 14 और ए प्लस टू डी इक्वल्स टू 18। जैसे ही माइनस किया, देखो अगर ये ए प्लस का होता और ये ए माइनस का होता तो मैं यहाँ पर जोड़ता, क्योंकि ए से पहले ही कट रहा था तो मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब माइनस करते हैं, कब, जब दो वैल्यू सेम जरूर होती है लेकिन उसका साइन भी सेम होता है, चिन्ह भी सेम होता है, यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, लेकिन जैसे ही माइनस किया तो नीचे के साइन चेंज हो गए बच्चे, तो ए से कट गया, तो ये 1d टू डी, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का 1d। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ बच जाएगा माइनस का 4, क्योंकि 18 में से 14 चला गया, माइनस से माइनस तो d हो गया 4। चलो d की वैल्यू अपने पास आ गई 4, और जो ये d की वैल्यू आई बचे, द वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन, कोई से मैं भी रख दो, चलो फर्स्ट में रख देते हैं, हिंदी वाले बच्चे भी लिख देंगे d का मान समीकरण एक में रखने पर, d का मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, समीकरण एक का है ये रहा, तो ए की जगह तो ए प्लस डी की जगह 4 बराबर 14, तो ए बराबर 14 माइनस 4, तो ए कितना आ गया बच्चे 10, तो ए 10 आ गया। और ये आपको पता है, ये ए बोलो चाहे ए वन बोलो एक ही बात है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, तो ए वन आ गया 10, तो हमारे लिए एक एपी तैयार हो गई बच्चे। एपी क्या बनी, एपी बनी फर्स्ट टर्म तो हमें ये रहा 10 कोमा, सेकेंड टर्म उसने दिया था 14, थर्ड टर्म उसने दिया था 18, इस तरीके से एक एपी तैयार हो गई। ठीक है, ये भले ही ना लिखो कोई बात नहीं, हमें मेन ए चाहिए था और डी चाहिए था, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें बस हमारे को समझाने की थी आपको, ये भले आप ना भी लिखोगे तो इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं, तो ए क्या आ गया 10। चलो हमें ए और डी चाहिए था तो निकाल लिया, क्यों, क्योंकि अब उसने कहा 51 टर्म का सम निकालो, 51 टर्म्स का सम निकालो, और सम की जब भी बात आएगी अपन क्या लगाएंगे, एस एन का फॉर्मूला, तो सम का मतलब एस एन,
एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। देखो एन की जगह क्या है, चलो यही लिख लेते हैं वो लाइन भी। देखो बच्चे कैसे उतारना आपको, ये फिर वो फिर ये फिर वो फिर ये लाइन इक्वेशन वाली फिर ये उतारना इसके बाद ये अब ये, ठीक है ये लाइन वाइज स्टेप्स है। इसमें आप एक ये भी लिख देना नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या, पदों की संख्या को बोलते हैं एन। एन का एन कितना दे रखा हमें 51, तो एन है 51। इसके बाद अगली लाइन में ये फॉर्मूला लगाना, तो एन की जगह 51 51 और ये हो गया एन की जगह 51 अपॉन टू टू इंटू ए मल्टीप्लाई में ए है 10, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस एन की जगह 51 माइनस 1 और डी कितना है बच्चे कॉमन डिफरेंस 4, सारा अंतर कितना है 4। चलो तो ये ए सी क्या इधर चलता रहेगा 51 अपॉन 2, या देखो दो को जब 10 से गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 51 में से 1 गया तो 50 बचा, 50 50 इंटू 4 दोनों मल्टीप्लाई में, ओके तो 51 अपॉन 2 ए सी क्या यह हो गया 20 प्लस 50 को 4 से करेंगे तो 200, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ एस 51 बराबर ये तो है 51 अपॉन टू और ये है 20 प्लस 200 220, समझ गए। अब ब्रैकेट को भले हटा दो क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एक ही बात है। देखो 200 प्लस 20 220, टू की टेबल से काटोगे तो 110, ठीक है दो एक दो एक, ठीक है ये हो गया। इसका मतलब एस 51 कितना हो गया, जब आप 51 को 110 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बड़ा सिंपल है, कैसे करना है कि जीरो को पहले उतार दो, ठीक है। अब 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 एकम 11, 11 वन 11 वन कैरी, 11 पाँच 55 और 56, 11 फाइव जा 55 और 56 56, तो आपके जो 51 टर्म का सम जो आया बच्चे, देयरफॉर सम ऑफ 51 टर्म्स वो कितना आ गया 5610। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे अतः 51 पदों का योग बराबर 5610। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।